ये जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन CBR है, सामुदायिक आधारित पुनर्वास, ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम दूर दराज गाँव में और शहरों की मलिन बस्तियों में दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी जो है, उनको उपकरण ये हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आएंगे, फिर हम लोग काम करेंगे, आप लोग हमें कविताएं सुनाएंगे, आर्ट बनाएंगे, ठीक है? नमस्ते इंडिया। उत्तर प्रदेश विकलांग मंच विकलांगजनों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, भेदभाव रहित वातावरण, विकलांगजन की पहुंच को लेकर के कार्यरत है और समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश विकलांग मंच की स्थापना 2009 में हुई थी। चार विकलांगजनों ने मिलकर के स्टार्ट किया था। बाराबंकी ज़िले में एक विकलांगजन को बस से धक्का मार के नीचे उतार दिया गया था, तो हम लोगों को लगा कि एक ऐसा कोई संगठन हो जिसके माध्यम से हम लोग सामूहिक आवाज़ उठा करके और संबंधित विभाग तक, संबंधित अधिकारी तक पहुंचा सके, जिससे कि विकलांगजनों के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। स्पार्क इंडिया का कौशल विकास कार्यक्रम भी है और जो लोग अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं NHFTC के तहत भी आप अपने DPO के माध्यम से भी उन तक पहुंच सकते हैं। जो महिला कमा रही है उसकी इज्जत घर में इसलिए होती है क्योंकि उसके पास पैसा है, बच्चे भी इज्जत करेंगे, इसलिए उसी सबको मायने में रखते हुए मैंने ये स्वयं सहायता समूह बनाया।